करने जा रहे हैं एक्सेल फंक्शन, और फंक्शन की हम कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे सुहाग जी हैं उनको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझ में नहीं आया। तो सिंपल सी बात समझिए कि हम अपने हिसाब से फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको आपस में आपको सम करना, राइट, तो आपने यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाया सम हो गया। जो सम का फॉर्मूला है तो इनबिल्ड है, बट आपको खुद का फॉर्मूला चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मुझे यहाँ पे क्वार्टर वन है और यहाँ पे हमारा क्वार्टर टू है, राइट, और मैं यहाँ पे जो है ग्रोथ निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ? ग्रोथ। अब ग्रोथ का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट में लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाई ओल्डेस्ट कर देते हैं, तो रिजल्ट हमारा आ जाता है। आ गया? बट प्रॉब्लम है कि चलो मैं और आप एक्सेल से फैमिलर है तो इसको इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक्सेल को भी नहीं अच्छे तरह से जानते हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ए हम इसको कर सके, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए हम इसी चीज पे आपके साथ डिस्कस करते हैं। सर इसको भी एक्सेल एसएम में ही सेव करना है ना, ये जिसमें हम फंक्शंस करते हैं वो शीट को भी हमको एक्सेल एसएम माइक्रो एनेबल्ड में। तो इसके लिए चलिए हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन, अब यहाँ पे फॉर्मूला हमें बनाना है, क्योंकि इस तरह की कैलकुलेशन, छोटी कैलकुलेशन हो सकता है, बड़ी कैलकुलेशन भी हो, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई थर्ड पर्सन कोई लगाना हो तो जस्ट सिंपल सा जी आर लिखे और कर दे, राइट। तो यहाँ पे हमने दिया फंक्शन का। अब देखिए फंक्शन लिखने के लिए हमें फंक्शन से स्टार्ट करना होगा, सब नहीं लिखना होगा। सब मतलब माइक्रो समझ लेता है, अगर आपने फंक्शन किया इसका मतलब है कि फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला का नाम देना होगा, जी आर या जो भी नाम देना चाहे दीजिए, ब्रैकेट ओपन। अब इसमें देना होता है इनपुट, क्योंकि फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला आप लगाते हैं, सम का ही लगाते हैं, तो कुछ इनपुट देते हैं ना आप, क्या? हाँ सर। यही पे आपको इनपुट डिफाइन करना है। तो हमने बोला कि क्वार्टर वन कॉमा क्वार्टर टू, यहां देना है आपको दो इनपुट होगा। तो यहां पे एज ए रेंज, एक्चुअली एज ए यहां पे है ना लॉन्ग है नंबर, और यहां भी एज ए ये फॉर्मूला डिफाइन हो गया। मतलब कि अब मैं यहाँ पे जी आर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, और हमने क्वार्टर वन दे दिया एंड क्वार्टर टू को सिलेक्ट कर दिया, रिजल्ट जीरो आया, क्योंकि कोई कैलकुलेशन की नहीं हमने, इसलिए। करेक्ट, समझ गए जी? तो डाउट तो नहीं है? नहीं सर, यहाँ तक तो समझ में आते हैं। तो ये सिर्फ हमने सिलेक्शन किया है ए टू और बी टू, हाँ हमने सिर्फ इन्फॉर्म किया है कि मेरा ये दो इनपुट रहेगा। जी हाँ जी, करेक्ट करेक्ट। आगे बढ़े, अब यहां देखिए हमने फंक्शन बनाया, इसमें ए टू और बी टू दिया, और यहाँ पे जी वन और जी टू दिया, क्यू वन क्यू टू। तो क्यू वन जो हो जाएगा इक्वल टू ए टू हो जाएगा, क्योंकि पहले स्थान पे हमने ए टू रखा हुआ है, और B2 इक्वल टू Q2 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे Q2 दिया हुआ है। तो ये दोनों वेरिएबल जो है फॉर्मूला से इस यहाँ से बिल्डों को वैल्यू को पिक कर लेंगे। तो अब हमारा Q1 इक्वल टू हो गया 85 एंड Q2 इक्वल टू हो गया 96। यहाँ समझ में आ गया आपको? यस। अब मुझे रिजल्ट के लिए कैलकुलेशन करना है। तो पहला होता है फॉर्मूला का पार्ट, वो होता है असाइनमेंट डिक्लेरेशन। हमने फॉर्मूला डिक्लेयर कर दिया, समझ गया? तो फॉर्मूला डिक्लेयर हो गया, अब कैलकुलेशन। तो एक रिजल्ट के लिए हम आते हैं डिम आर एज ए डबल, राइट, और यहां पर हम करते हैं आर इक्वल टू यहां पे कर देते हैं टू, हम देते हैं Q2 माइनस Q1 D
डिवाइड बाय क्यू वन, ये होगी कैलकुलेशन। लास्ट में आता है असाइनमेंट, क्योंकि अभी भी रिजल्ट आपको नहीं आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि रिजल्ट स्टोर कहाँ पे है? आर पे है, और आउट कैसे होगा? तो आउट हमारा जी आर से होगा। तो यहाँ पे आप जी आर जो फंक्शन नेम है उसको इक्वल टू रिजल्ट पे असाइन कर दीजिए। तो किसी फॉर्मूले के तीन पार्ट होते हैं, पहला होता है डिक्लेरेशन, आप फॉर्मूला को डिक्लेयर करें, फॉर्मूला को कैलकुलेट करें और इसको यहाँ पे असाइन करें। आपके सामने रिजल्ट आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे आ गया, परसेंटेज का फॉर्मेट दे दीजिए। अब थर्ड पर्सन को लगाना हुआ, जिस फॉर्मूला लगा के इनपुट देना है, तो पहले से बहुत आसान हो गया है। क्या सुहास जी, अब समझ में आया आपको? हाँ सर, समझ में आया। तो इसी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें आप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल कि मुझे एमआरपी का एक फॉर्मूला बनाना है, जैसे कॉस्ट, कॉस्ट हमारा मान लीजिए 50 है, तो एमआरपी क्या होगा, राइट? तो चलिए एमआरपी का फंक्शन बनाते हैं यहां पे, कि फंक्शन एमआरपी, और यहां पे हमने लिख दिया कॉस्ट एज ए डबल, एज लॉन्ग कर देते लॉन्ग, जो भी कॉस्ट है, जो भी नाम डाल दिया अपने हिसाब से जुड़ाना है। फिर यहाँ पे डिम आर एज ए हम यहाँ पे देते हैं डबल, क्योंकि परसेंटेज अगर निकलना है तो डबल मैंडेशनल में आएगा ना। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं कि आर इक्वल टू कॉस्ट, आर इक्वल टू आर प्लस आर का 5%, 5% या परसेंट का सिंबल नहीं होता है, तो यहाँ पे 0.05 करना पड़ेगा। ये हो गया मैन्युफैक्चरर कॉस्ट। मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि अपने खरीद पे 5% ऐड कर दिया और आगे होलसेलर को बेच दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? 10% ऐड करेगा, और होलसेलर को, होलसेलर क्या करेगा? 15% ऐड करेगा, और रिटेलर को, और रिटेलर क्या करेगा? 20% ऐड करेगा, और मैन्युफैक्चरर को, इसलिए कंज्यूमर को दे देगा। अब यहाँ पे हम कर देते हैं एम आर पी इक्वल टू आर। तो यहाँ भी फॉर्मूला आपने डिक्लेयर किया, फॉर्मूला को कैलकुलेट किया, और लास्ट में हम इसको असाइन कर दिया। यहाँ पर लगाइए फॉर्मूला एम आर पी, इसको सेलेक्ट कीजिए, रिजल्ट आपके सामने है। तो फॉर्मूला इस तरह से किया जाता है। अब बात आती है, क्या बोलना? सॉरी सर, इसमें पहला आपने 0.05 लिया, बाद में 0.1 लिया, बाद में 0.15, ये जो इसका सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंशियली करेगा ना पहला, फिर ऊपर का जो कैलकुलेशन है करने का, मतलब समझ लीजिए पहले क्या होगा कि पहले ये कैलकुलेट करेगा। हाँ, मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट क्लियर होगा, फिर इसके बाद मैन्युफैक्चरर कॉस्ट पे डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूटर का कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट पे डिपेंड करता है होलसेलर का, होलसेलर पे डिपेंड करता है रिटेलर का, समझे? नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि पहला वो 0.05 का जो वैल्यू रहेगा कॉस्ट का, हाँ, वो उसमें डालेगा, वो उसका कैलकुलेटेड वैल्यू दूसरे आर में डालेगा, हाँ, ऐसे वो करते करते नीचे आएगा ना? जी हाँ, जी हाँ, ओके सर, अंडरस्टूड, समझे? तो इस तरह से आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है, वो तो यहाँ पे डाल ही सकते हो, समझ गए? जी सर, हाँ सर। तो आप मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन, मतलब कि जो बड़े बड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, उसको जो है आप इसमें डाल दीजिए, राइट? यस, समझ गया। तो फंक्शन का पहला पार्ट समझ में आ गया? यस सर। पहला पार्ट है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन को फंक्शन के जरिए किया जाए। दूसरा पार्ट होता है एक्सेल के इनबिल्ट फंक्शंस के साथ मिलके कुछ और कस्टमाइजेशन किया जाए। ओके, कैसे बताता हूं आपको। मल्टी सीट वीलुकअप की हम बात करते हैं, चलिए। सर एक्स लुकअप का ले सकते हैं एग्जांपल? मैं आपको 10 मिनट में कॉल बैक करूं, मैं क्लास में बैठा था। आप बताते हैं ना एक बार, एक देखिए, जो एग्जांपल, ऐसे तो एग्जांपल बहुत सारे हैं सर,
लेकिन जो आप समझ सके वही बताएंगे ना। ओके पता चल गया है ना कि आप कहाँ समझ सकते हैं, मतलब कि कितना केजी केजी काजू खा सकते हैं, पता चल गया है ना। तो खाना ही पड़ेगा अब तो। हिसाब से एग्जाम्पल बताते हैं, हम यहाँ पे कंपेयर करके दिखा रहे हैं आपको कि वीवीए फंक्शन किस किस सिचुएशन में यूज करेंगे, क्या समझ गया ना, सिचुएशन पहले समझना होता है। अब जैसे कि आपके सामने जो डेटा आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है, अब इसमें क्या है कि मेरे पास, क्योंकि हमारा जो वीवीए फंक्शन होता है लास्ट होता है, समझ गया ना, पहले हम एक्सेल फंक्शन ट्राई करते हैं। जैसे देखिए कि पूजा का सेल जो है, अब यहाँ पे देखिए मैं लगाता हूँ कि वी लुकअप, इसको सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे गए और इसको किया कॉमा 2, 0, 34 आ गया। अब इसमें मैं प्लस करूंगा वी लुकअप अगेन, वी लुकअप इसको सेलेक्ट किया कॉमा सीट 2 में गया कॉमा 2, 0, ठीक है सर, तो 2 सीटों का प्लस आया, ऐसे 3, 4, 5 सीटों का करना है, तो लेंदी है ना सर। करेक्ट करेक्ट। तो इसके लिए अब इसमें कोई अभी अल्टरनेटिव भी नहीं है, क्योंकि तो डिफरेंट डिफरेंट सीट से डेटा उठा सके। यस। समीप लगा सकते हैं, ऑप्शन लगता है कि सबको एक में कैलकुलेट करके फिर समीप लगाए, मतलब कुलेट करके एक के नीचे पेस्ट करके। तो यहां पे हम अब हो गए हेल्पलेस, अगर एक्सेल में है तो हो गए। अब हम वीवीए बाबा के पास जाएंगे और इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, तो बाबा से, बाबा बोलेंगे फंक्शन बनाओ, फंक्शन बाबा पहले बोले के काजू खाओ। फंक्शन हम यहाँ पे सम, यहाँ पे सम एल के नाम से फॉर्मूला बनाते हैं, सम लुकअप, समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे फंक्शन में हम सबसे पहले डालेंगे वी एज ए वेरिएंट, क्या डालेंगे, वी एज ए वेरिएंट, वेरिएंट, हमने यहाँ पे वेरिएंट को डाला, क्योंकि उसमें टेक्स्ट वगैरह कुछ भी आ सकता है। कुछ भी वी लुकअप में कुछ भी आता है ना सर। यस। उसके बाद यहाँ पे आर एज ए रेंज, नहीं आर एज ए रेंज रहने दीजिए, क्योंकि हम सबका फिक्स रेंज है ना, अलग अलग रेंज डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, रेंज सबका फिक्स रखते हैं। कॉलम नंबर सी एज ए इंटीजर कर देता हूं मैं। तो अब फॉर्मूला लगाते समय हमें क्या करना है, जस्ट यहां पे सम एल नहीं आ रहा समय, नहीं आने के पीछे रीजन क्या पता आपको, रीजन ये है कि हम दूसरे मैक सी में बना रहे हैं, दूसरे फाइल में। ओके अब देखिए यहां आएगा, सर, अगर दिस वर्कबुक में किए तो सब शीट में आ गया ना वो सीट की फॉर्मूला। बात नहीं कर रहा, मैं फाइल की बात कर रहा था, डिफरेंट फाइल में किया। हाँ, बट अगर हमको हर एक शीट में करना है, शीट 1, 2, 3 में अप्लाई करना चाहिए वो फंक्शन, ऐसा चाहिए तो दिस हमें वर्कशीट में फंक्शन करना है। हमेशा बनाइएगा मॉड्यूल्स में सर, ओके ओके सर हम लोग जब एक वर्कबुक में काम करते हैं और बाकी जितना भी वर्कबुक ओपन रहता है सब में मेरा एक ही जो फंक्शन या प्रोग्राम है वो काम करता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा था। नहीं, उसका जो तरीका दूसरा है, वो समझाऊंगा मैं आगे, उसका तरीका, उसको ध्यान मत अच्छा दीजिए, उस पर इग्नोर कीजिए उसको। क्यों नहीं हुआ हम आपको होगा, क्यों नहीं होगा, होगा, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, और तरीके पे जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा ओके इसमें आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया। अब मैं यहां पे वी लुकअप कहीं इस्तेमाल करूंगा, यहां पे लगाऊंगा फॉर्मूला कि 4i = चले 1 to seats.count-1 और यहां पे नेक्स्ट आई -1 क्यों किया, क्योंकि लास्ट वाले शीट में तो मुझे लुकअप करना ही है। सर आपका कोडिंग वाला स्क्रीन, वीडियो हाँ स्क्रीन नहीं देख रहा है सर। अभी नहीं दिखा इसके नाम पे, हेलो हाँ
सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। आप जहां पे कोड लिख रहे हैं ना सर, वो दिख रहा हाँ नहीं है। हाँ नहीं सर अभी तक नहीं। हाँ हाँ सर अभी कोड मिला। सुजीत सर हैज स्टार्टेड शेयर स्क्रीन ये दिख रहा है। डबल क्लिक टू एंटर फुल स्क्रीन मोड। क्या हो गया मुझे, 2 मिनट चाहिए। अभी भी आ रहा है क्या? क्या नहीं सर नहीं सर। हो गया? कॉलम जूम में ही है सर, स्पीड तो मैं फर्स्ट क्लास है। रिस्टार्ट कर सकते हैं क्या सर? एक मिनट स्टॉप करता हूँ। हाँ सर हाँ अब दिख रहा है। दिखा। यहाँ पे हमने दिया सी डॉट काउंट -1। -1 इसलिए किया क्योंकि हमारा जो ए है डेटा है इसमें लास्ट वाले शीट पे मुझे लुकअप करना है, इसलिए लास्ट वाले शीट को मैंने माइनस कर दिया। ओके अब यहाँ पे मैं करता हूँ कि डिम लॉन्ग और यहाँ पे आर इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट वी लुकअप। डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है ठीक है सर, इसलिए इसे इतना बड़ा मैं उसमें यस वी हो जाएगा हमारा और हर सीट के शीट्स आई नंबर दे दिया हमने डॉट रेंज ए से लेके बी में गया और कॉमा सी मतलब कि कॉलम नंबर 2 आ गया और यहां पे कॉमा 0 आ गया। देखिए आर इक्वल टू आर प्लस क्योंकि हमें सबको ऐड करना है और फिर यहां पे सम एल इक्वल टू आर। सर पहले माइनस करना होगा ना, कहाँ माइनस करना होगा? पहले जब भी वो 0 हिसाब से वो जुड़ जाता है ना। ठीक है सर रिजल्ट देखते हैं हमें कल वाला जोड़ना है लीन ना, वाला। हमें जोड़ना है ना इसमें सर। ये सी बोले तो क्या है, सी कॉलम एज नंबर, इंटीजर वी लुकअप में कॉलम नंबर नहीं देते हम। नहीं नहीं वी लुकअप में कॉलम नंबर देंगे ना, ये किस डेटा में से किस कॉलम को उठाना है। अच्छा नंबर ओके। हाँ सर आ गया। वी लुकअप में जो ये नंबर देते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर हाँ हाँ नंबर वो नंबर यस यस। हाँ रिजल्ट आ गया ना। तो हमें करना क्या था ना समझे, हमें 5 वी लुकअप लगाना था। कितने लगाना था? 5 वी लुकअप और उसको एक दूसरे से ऐड करना था। तो हमने क्या करेक्ट यही पे क्या किया कि सब कुछ तो सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या हुआ सीट का नेम। यहाँ आई कर दी, पहला सीट के रेंज से जाएगा डेटा उठा के आर को जोड़ देगा, फिर अगली बार आएगा दूसरे सीट से डेटा उठाएगा और आर में जोड़ देगा, फिर तीसरे सीट से उठाएगा डेटा और आर में जोड़ देगा। ठीक है अभी तो दिक्कत क्या आ सकती है इस फॉर्मूले में, इन फ्यूचर में भी दिक्कत आ सकती है सम केसेस में। अब बताइए दिक्कत कहाँ आएगी, सोचिए। सर यहाँ पे शीट लास्ट में, शीट अगर बीच में रहे तो। चेंज हाँ हुआ वो तो हम कर लेंगे वो, चलिए ये भी कॉलम दिक्कत है लेकिन वो दिक्कत खास नहीं है, वो सिर्फ हटा लेंगे। आगे बताइए अगला दिक्कत बताइए। सर, कॉलम अगर चेंज हुआ अभी, ये तो सीक्वेंस हर एक शीट में एक जैसे ही कॉलम है ना। कॉलम चेंज होगा तो एक फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, फिर दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। आगे बताइए मुद्दे पे आइए, मुद्दा नहीं है सर। इस माइक्रो में क्या दिक्कत हो सकता है, सब कुछ स्मार्ट अकॉर्डिंग रहेगा फिर भी दिक्कत आएगा।
दिक्कत आएगा कि कहीं पे नाम मैच नहीं किया, जैसे मैं यहाँ पे पूजा एस कर देता हूं तब एरर आएगा। क्यों? क्योंकि वी लुकअप यहाँ पे मान लीजिए एक सीट में पूजा एस, पूजा नहीं है पूजा एस, अब यहाँ पे एरर आएगा। एरर आ गया ना, तो एरर आगे के पीछे रीजन ये है कि हमने यहाँ पे लॉन्ग डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया है? लॉन्ग। और ये फॉर्मूला क्या एरर रिजल्ट देगा? एरर देगा। तो एरर इसमें तो एरर जुड़ नहीं सकता ना सर, इसी दिक्कत आ रही है। तो मुझे यहां देना होगा ऑन एरर, एरर रिज्यूम नेक्स्ट, यहां पे आ गया सर। तो ये बाकी जोड़ के दे देगा हमको। अगर मैं पूजा यहां पे पूजा एस कहीं पे लिखा हुआ था इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ पूजा कर देता हूँ, तो फिर यहाँ पे रिजल्ट हमारा दो सही है। तो आपने दूसरा पार्ट को देखा कि इसी तरह से हम वी लुकअप के जो 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 फॉर्मूले थे उसको इसमें यूज करके कस्टमाइज किया। हमने लगाया तो वी लुकअप ही है बट इसके अंदर कस्टमाइज कर दिया तो ये एक अलग तरीके से बन के आ गया। तो मैथमेटिकल पार्ट आपका पहला हो गया, दूसरा होगा जो इनबिल्ट फॉर्मूले हैं उसका, और तीसरा वीवीए के खुद के फंक्शंस हैं। अब वीवीए खुद के फंक्शन कौन से हैं उसका लिस्ट याद है आपको दिया था मैंने? हाँ सर। हाँ इसका टेक ऑन द नेट का वेबसाइट था वहाँ। हाँ 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 सर उसमें दिया हुआ है सर, तो उसको एक बार देख लीजिएगा ठीक है। आप क्या कीजिए कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन और आपके जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाया इस तरह के और आपके एक्सेल फॉर्मूला इस तरह के पांच पांच एग्जांपल बना के भेजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। हम लोग कुछ फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सेल में जिसमें ऑप्शनल रहता है कि मान लीजिए क्राइटेरिया ऑप्शनल रहा या फिर मैं कितना वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, मतलब मेरा वैल्यू वन वैल्यू टू वैल्यू थ्री ऐसे बहुत सारा वैल्यू रहता है, मैं चाहूँ तो एक वैल्यू भी डाल सकती हूँ चाहे तो पांच वैल्यू भी डाल सकती हूँ, जैसा ऑप्शनल रहता है ना, तो उस टाइप का फंक्शन बनाने के लिए क्या यूज करेंगे वो कुछ नहीं सेम रहेगा, बस जो ऑप्शनल है उसके ऊपर आगे आपका ये लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अगर ये ना हो तो ऐसा ना दिखे। ओके सर मैं एक बार ट्राई करती हूँ इसको। ठीक है सर, ये शीट मेल कर सकते हैं प्लीज कोड के लिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं किया सर मैंने। क्यों रिकॉर्डिंग भी नहीं किया आपने? वो पॉज किया ना मैंने अभी जस्ट देखा, मेरा पॉज था रिकॉर्ड। हाँ उतना किया तो भी चलेगा फंक्शन। मैं कोड आपको भेज देता हूँ। यस सर। अभी चाहिए क्लियर थी कि आपने रिकॉर्ड कर लिया? सर मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है चलो। ओके सर मिल गया, थैंक यू। ओके सर प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय। ओके बाय।